जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है इस समय, उनको अब न्यू पेंशन स्कीम में कर दिया गया है। उसके पहले के हम जो कर्मचारी हैं, हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम में, पुरानी पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, जो एक सिंपल छोटा सा एक सबसे आसान समझने वाली चीज़ है कि जो भी पुरानी पेंशन में हम कर्मचारी हैं, हम सबको मालूम है कि रिटायरमेंट में मेरी जितनी बेसिक होगी उसकी 50% मेरी पेंशन फिक्स की जाएगी। ये हमें एक मालूम है कि इतना मुझे देना है और वो हमारा एक मुश्त पैसा, मतलब ये कंफर्म है कि हमें इतना मिलना ही। भत्ता जो मिलता था भत्ते, मिल नहीं भत्ते वगैरह तो मिलना है। अभी मैं पुरानी, ये मैंने पुरानी पेंशन बताई, न्यू पेंशन स्कीम में ये है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर रखी कि 10% हमारे बेसिक का हम काट कर्मचारी का काटते हैं, 10% गवर्नमेंट उसमें करती है, उसको वो शेयर्स में लगाते हैं पैसा। अब ये समझिए जिस समय हमारा पैसा लगेगा तो शेयर्स में क्या उस समय उतार रहेगा चढ़ाव रहेगा उसके हिसाब से हमें पेंशन मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उस समय हमें कितना मिलेगा। और मैक्सिमम रिटायरमेंट के टाइम पे 60% पैसा हमारा मिलेगा, 40% गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा जिससे वो हमें पेंशन देगी। ये तो इसका हो गया। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ये किया है नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो हमारे साथी कर्मचारी रात में भी काम करते हैं, तो उसमें अभी तक था कि एक नाइट ड्यूटी अलाउंस, भाई रात में रिस्क का काम रहता तो उनको अलग से एक अलाउंस मिलता था, उसमें उन्होंने अब एक बेसिक पे फिक्स कर दी कि 43,600 से ऊपर जिनकी बेसिक है उन्हें नाइट अलाउंस नहीं दिया जाए। तो उसमें हम लोगों की डिमांड यही थी कि आखिर जिनकी 43,600 से ज़्यादा सैलरी है क्या वो उस समय काम नहीं करेंगे, क्या आप उनको नहीं देंगे। दिनेश जी, आज उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य है, क्या मांगे हैं? ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी एक रेलवेज में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है, जो ऑल इंडिया पे, हम नॉर्दर्न जोन के हैं तो उसी की ही ब्रांच है हमारी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन। तो जो हमारी ये मजदूर विरोधी सरकार की नीतियां हैं उसके विरोध में NFIR ने एक ऐलान किया था पूरे देश में कि 13